हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 14.4 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। यहाँ पर 10 मैचों के उनके गोल दिए गए हैं, ठीक है। इन गोलों के माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले हम लोग इसे बढ़ते हुए क्रम में सजा लेते हैं। तो मैं लिखूंगा कि फुटबॉल फुटबॉल के 10 मैचों में गोल जो हो रहे हैं वो किस कैसे लिखेंगे, तो बढ़ते क्रम में, ठीक है। बढ़ते क्रम में या घटते क्रम किसी में भी सजा सकते हैं। तो सबसे कम इसमें मान आपका 0 दिख रहा है, उसके बाद आपका 1 है, एक एक ही बार है, ठीक है। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 देखिए कितना बार है, यहाँ पर 2 एक ही बार आपको दिख रहा है, 3 देखो 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार, और उसके बाद 4 है आपका, 1 और 1 ये 2 बार, 4 हो गया आपका, और 5 है आपका यहाँ 1 बार, तो ये 5 भी हमने लिख दिया, समझ गए। चलिए तो पहले हम लोग माध्य निकाल लेते हैं इसका। तो माध्य निकालने के लिए क्या होगा, सभी चर मानों को इनको जोड़ देंगे, 0 1 2 3 3 3 3, फिर 4 4 5, और बटा में कितने हैं टोटल इनकी संख्या, तो 3 3 6 3 और 10 है। तो सबको जोड़ दो, तो सबको जोड़ोगे तो 28 और बटा में 10, यानी कि 2.8 आपका माध्य है। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं माध्य निकालने के लिए, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं माध्य का फॉर्मूला भी, यहाँ के सिग्मा एक्स आई, यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल टू 1 to n और बाई में n, ये फॉर्मूला होता है, यानी कि सबको जोड़ देंगे और भाग कर देंगे उनकी संख्या से। चलिए दूसरा हमें क्या बताना है, चलिए अब माध्यक की बात कर लेते हैं। तो माध्यक के लिए हम लोग जानते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं टोटल कितने ये चर मान आपको दिख रहे हैं, 10 दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे सम संख्या है, इसलिए हम लोग माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट के अंदर n/2वां पद और प्लस n/2+1वां पद, यही ना फॉर्मूला होता है। चलिए तो इसमें हम लोग रख देते हैं, तो 1/2 ब्रैकेट का n/2, यानी कि 10 पद है तो 10/2वां पद और प्लस में 10/2+1वां पद, ठीक है। चलिए हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं, कट जाएगा आपका ये आपका 5 बार में, और यहाँ 5 और 1 6 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 1/2 पांचवा पद की बात करेंगे, तो इसमें पांचवा पद आपका कौन सा आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, और छठे पद की बात करेंगे तो छठा पद भी आपका 3 ही है। चलिए 1/2 और गुणा में 6 कट जाएगा 3 बार में, तो माध्यक आपका 3 हो जाएगा। या हम डायरेक्ट भी जानते हैं कि बीच वाले 2 मानों को लेकर आप जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो माध्यक निकल जाएगा या माध्यिका निकल जाएगी। तीसरा हम लोग बात करेंगे बहुलक का, तो जिस चर मान की सर्वाधिक बारंबारता होती है, तो सबसे ज्यादा बारंबारता 3 की है, तो इसका बहुलक 3 हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि सर्वाधिक बारंबारता वाला चर मान, ठीक है, ये आपका बहुलक होता है, ये आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 2